हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप लोगों का जैकबोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 29 जून 2024 को होने वाला है, और 29 जून को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने और एक सेट अपलोड किया है, और यह दूसरा सेट है। दोनों को अगर आप देख लिए तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वीडियो में जो भी क्वेश्चन है सभी को याद कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि 10 आप लोगों से MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनर क्या था, मैनर क्या था। पहला ऑप्शन है भवन, दूसरा गांव, तीसरा स्टेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टेट। मैनर क्या था, स्टेट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हिटलर कौन था। पहला ऑप्शन है नेता, दूसरा ऑप्शन है तानाशाह, तीसरा ऑप्शन है किसान, चौथा ऑप्शन है मजदूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तानाशाह था। हिटलर कौन था, तानाशाह था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था। पहला ऑप्शन है लुई 13वां, दूसरा ऑप्शन है लुई 14वां, तीसरा ऑप्शन है लुई 15वां, और चौथा ऑप्शन है लुई 16वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, लुई सोलवा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तट, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप, तीसरा ऑप्शन है द्वीप, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रायद्वीप कहते हैं। वैसा भूस्थल जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर, वुलर झील किस राज्य में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, आप लोगों का यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है वो तो वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। अच्छा, एक मिनट, पांच नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, छह नंबर की ओर। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। देखिए, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। पहला ऑप्शन है मई के प्रारंभ में, दूसरा जून के प्रारंभ में, तीसरा जुलाई के प्रारंभ में, चौथा अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, सात नंबर की ओर। लोकतंत्र का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है जनता का शासन, दूसरा किसान का शासन, तीसरा मजदूर का शासन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, आठ नंबर की ओर। आठ नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, नौ नंबर की ओर। नौ नंबर का क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि का कार्य से जुड़े हैं। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 65%, दूसरा 70%, तीसरा 72%, चौथा 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 75% लोग पालमपुर गांव में कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 10 नंबर की ओर।
10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है कुल राष्ट्रीय आय, दूसरा औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, तीसरा शैक्षिक स्तर और चौथा स्वास्थ्य स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुल राष्ट्रीय आय के मापदंड पर विश्व बैंक विभिन्न देशों को वर्गीकृत करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों को मैं मदद करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त किया गया? लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर देखिए, फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा था और इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रचिन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रचिन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, प्रचिन बेरोजगारी, उत्तर प्रचिन बेरोजगारी में व्यक्ति कार्य करता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार होता है। ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी के आंकड़ों द्वारा दर्शाए गए लोगों से कहीं अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं, इसे भी हम लोग प्रचिन बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि मानकर चलिए एक छोटा सा खेत है, इसमें 5 लोग काम करें तो काफी है, उसमें 10 लोग लगे हुए हैं। ऐसा लग तो रहा है कि 10 लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बेरोजगार ही हैं, कोई काम नहीं, इसलिए जबरदस्ती घुस गए हैं या उनका वेतन कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रचिन बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है, उसमें उसमें 50 लोगों की जरूरत है, अब वहां पर 100 लोग आ गए हैं काम करने के लिए, तो ये भी प्रचिन बेरोजगारी है क्योंकि वेतन कम हो जाएगा, जितना ज्यादा लोग जाएंगे उतना वेतन कम हो जाएगा, तो काम करते हुए लोग दिख रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट करें। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिटलर के उदय के कारण बताएं। हिटलर का उदय क्यों हुआ, कारण बताना है। तो इसका पहला कारण देखिए, आर्थिक संकट। 1929 की महामंदी ने जर्मनी के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, व्यापार व वाणिज्य का पतन हुआ। दूसरा कारण देखिए, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका बढ़िया वक्ता होना तथा बढ़िया संगठनकर्ता होना हिटलर के उदय में सहायक बना। हिटलर का जो भाषण था उसे सुनकर लोग पागलों की तरह हो जाते थे। जो बोलता था हिटलर वही उनकी सेना करती थी। हिटलर का वक्तव्य, अपना मन का बात रखने का जो शैली था वो गजब का था। उसमें बढ़िया तरीके से लोगों को संगठित करने का तरीका भी था। इसी के कारण हिटलर का उदय हुआ। फिर देखिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट कारण है, राजनीतिक उथल पुथल। उस समय राजनीतिक उथल पुथल भी हुआ। जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था। जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसीलिए हिटलर का उदय हुआ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका उत्तर देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायु दाब एवं
पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूँगा और फिर अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।